सो हेलो दोस्तों, बजाज अपने पल्सर RS 200 का एक स्मॉलर वेरिएंट यानी कि RS 125 को बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। ये KTM की RC 125 को टॉप की कंपटीशन देने वाली है। इससे बजाज का सेल और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 125 सीसी का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बजाज ने यह डिसाइड कर लिया है कि वह अपने RS 125 को जल्द ही मार्केट में लेके आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RS 125 में कौन कौन सी फ्यूचर आने वाले हैं और ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RS 125 के डिजाइन और लुक के बारे में। तो इसमें सेम आपको RS 200 के जैसा ही लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि यह बाइक RS 200 का ही एक स्मॉलर वेरिएंट होने वाली है। तो कंपनी इसके डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं करेगी। और अब बात करें इंजन की, तो गाइस RS 125 में आपको वही इंजन देखने को मिलेगा जो कि NS 125 में देखने को मिलता है, यानी कि इसमें आपको 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 4 वाल्व वाला इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 12 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क होगी 11 Nm, जिसके साथ 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा इस बाइक में आपको डुअल प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ LED इंडिकेटर होंगे। एंड इसमें आपको NS 125 के जैसा ही एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें काफी सारे फीचर्स होंगे जैसे कि ट्रिप मीटर एंड रियल टाइम माइलेज। एंड इस बाइक के रियर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में इसमें सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। तो 125 से सेगमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात करें सस्पेंशन की, तो बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ रियर में नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। एंड बाइक में 18x100 सेक्शन का फ्रंट टायर होगा और 100x19 सेक्शन का रियर टायर होगा, और ये दोनों ही काफी अच्छे सुपर बाइक ट्यूबलेस टायर्स होंगे। और इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और माइलेज भी आपको 50 KMPL के आसपास का मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको BS6 फेस 2 वाला इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ OBD2 सेंसर भी होगा, जिससे कि ये बाइक 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल के मिक्सचर से भी चल पाएगी। एंड गाइज, अब बात करते हैं कि ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी और इसकी प्राइस क्या होगी। ये बाइक NS 125 के साथ इंजन और काफी सारे फीचर्स तो शेयर करेगी ही, लेकिन इसकी प्राइस NS 125 से थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि RS 125 का एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस होगा 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक। और ये बाइक आपको 2023 के फेस्टिवल सीजन अक्टूबर से नवंबर तक मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट बजाज की अपकमिंग बाइक RS 125 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नई नई अपकमिंग बाइक्स के बारे में अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड टेक केयर। जब सो देखा तो सच का।